अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज एक बार फिर बाहर जाने का प्लान बनाया है। मैं हूँ और मेरा भाई मियां मंसूर अहमद मेरे साथ बैठा हुआ है। अब हम गुलकदा नंबर एक मिंगोरा में मौजूद है, बाहर जा रहे हैं। बाज़ार में डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर जाएंगे। बहरीन, मदीन, मलमजबा, दो तीन चार ऑप्शन हैं हमारे पास। जिस जगह भी जाना है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वक्त हम सिद्धू शरीफ में मौजूद हैं और मिंगोरा की जानिब जा रहे हैं। ये सामने जो आप बाज़ार देख रहे हैं मिंगोरा निशात चौक का बाज़ार है। हम निशात चौक पहुंच चुके हैं। हमने डिसाइड किया कि हम स्वात के इलाके जो है दारमई और सखरा जाएंगे, जो अपर स्वात में मौजूद है, जो बहुत ही खूबसूरत गाँव है दोनों। हम बटा पहुँचते ही इस पाकिज़ा होटल में हम ठहरे और अपने लिए खाना बनाया ताकि वहाँ पर हम फिर खा सके। और ये जो पाकिज़ा होटल है बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। ये जो चिकन है वो तैयार हो गया, अब हम जा रहे हैं आज की तरफ। ये मेरा भाई मियां मंसूर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मेरे साथ मौजूद थे। इसके बाद हमने जो है रोटियों का भी इंतज़ाम किया, रोटियाँ भी ली, क्योंकि चिकन जो है बगैर रोटी तो हम नहीं खा सकते। हमने इस होटल के नीचे एक जो है रोटियों का होटल मौजूद था, हमने यहाँ से रोटियाँ भी ली। अब हमने इस पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल डलवाए। अब हम सखरा गांव पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि कबाब का होटल है, यहाँ से हमने कबाब भी ली और दूसरा जो है बराक का सामान भी लिया, जो बहुत ही मज़ा आया। और अब जो है मौसम ठंडा हो चुका है, बारिश भी शुरू हो चुके हैं। ये जो है नौखारा स्टाप जो आगे है, थोड़ा मस्जिद में हम नमाज़ अदा करेंगे। और बारिश हो रही है, बहुत मज़े की बारिश हो रही है। ये सखरे का इलाका है और जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त, और क्या बताओ क्या जो खूबसूरती है मैं आपको बता नहीं सकता। ये बिलाल मस्जिद हम नमाज के लिए जा रहे हैं। अब हम एक जगह बैठ गए। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कितने खूबसूरत दरख है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। हमने आराम के साथ खाना खाया, गांव का नज़ारा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद